ये VNR का सीड है कुकुम्बर कृषि नाम से है, और इसमें देखते हैं क्या आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने मंगाया था सीड, ना कंपनी का सीड आया था ना क्या आया था। अब देखते हैं, मेरे को तो लग रहा है फ्लिपकार्ट वाले बहुत ही धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो चीज़ मंगा रहे हैं वो चीज़ नहीं आ रही इसमें, और कुछ पटांग चीज़ आ रही है। तुम्हारे सामने मैंने खोल ली इसकी सील, ये देखो क्या रखा है, ये क्या है, ये देखो ये क्या है, बीज, ये पता नहीं किस चीज़ का बीज है, बंद गोभी का, बंद गोभी का पता नहीं किस चीज़ का बीज है, ये आ रखा है इसके अंदर, बताओ। ये तुम्हारे सामने खोला ना मैंने, ये देखो शिपमेंट में क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है शिपिंग कस्टमर एड्रेस नेम मेघा जलाल, ये सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ लिखा है VNR कुकुम्बर सीड, ये कुकुम्बर सीड है, ये देखो, ये ठगी हो रही है भाई, क्या कर रहे हैं फ्लिपकार्ट वाले, बताओ। इसको मैं फ्लिपकार्ट को आगे इसको भेजना पड़ेगा। अब ये दूसरा आइटम मंगा रखा है फ्लिपकार्ट से, इसको देखते हैं क्या इसमें आप जो चीज़ मंगा रखी वो आता है, आ रखा है नहीं आ रखा है। ये हमने मंगा रखा है जी स्प्रिंकलर, ये पानी का फुहारा स्प्रिंकलर है रोटेट, अब इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है। ये तो वही आइटम है, खैर ये वही है, लेकिन जो वो मंगाया था बीज वो नहीं है, और वो इन्होंने बेकू बना दिया है। असेंबल करें इसको, इसको असेंबल करके देख लेते हैं इस तरीके से असेंबल हो गए। पानी यहाँ से आया ना, ये तो घूमता है ऊपर से, बाकी ये लगेगा यहाँ इस तरीके से, ये मंगा रखा है फिट हो गया, ये पानी के लिए है, इसमें पानी से ये चारों ओर पानी फेंकता है। अब बताओ ये चीज़ क्या करना रहेगा इस चीज़ में, ये देखो ये आ रखा है भाई, अब क्या करना ठहरा बताओ तो हैं। फ्लिपकार्ट का ये बुरा हाल है भाई, इसको वैसे ही पैक करते हैं, इसको दोबारा वापस रिटर्न करेंगे, रिटर्न करके उनको बताएंगे भाई तुम्हारी क्या चीज़ है।